तो वहीं आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के सीआर पार्क में वॉकथॉन वॉक फॉर केजरीवाल कार्यक्रम आयोजित किया। दिल्ली शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता आतिशु ने वॉकथॉन वॉक फॉर केजरीवाल कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने कहा कि आज इस वॉकथॉन के माध्यम से दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल के लिए अपना समर्थन दिखाने आए हैं। भाजपा ने सोचा था कि यदि वो अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल देंगे तो आप प्रचार नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज आम आदमी पार्टी प्रचार नहीं कर रही है। आज दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए प्रचार कर रहे हैं। दिल्ली के लोग ही चुनाव लड़ रहे हैं और दिल्ली के लोग ही चुनाव जीतेंगे। आज इस वॉकथॉन के माध्यम से दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी के लिए अपना समर्थन एक्सप्रेस करने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ये सोचा था कि वो अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल देंगे तो आम आदमी पार्टी प्रचार नहीं कर पाएगी, लेकिन आज आम आदमी पार्टी नहीं प्रचार कर रही है। आज दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी के लिए प्रचार कर रहे हैं। दिल्ली के लोग चुनाव लड़ रहे हैं और दिल्ली के लोग चुनाव जीतेंगे।